हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन बात करें यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विथ सॉल्यूशन बाय मैकाले मेथड। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, मैं इसका सॉल्यूशन आपका डबल इंटीग्रेशन से नहीं करूँगा, बाय यूजिंग द मैकाले मेथड करूँगा। तो मैकाले मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कैसे अपन को क्या करना है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। पर सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि मेरे को इसकी रिएक्शन निकालनी है, तो रिएक्शन कितनी निकलेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल 60 किलो न्यूटन, दैट्स इक्वेशन नंबर वन। फिर टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट क्या आएगा आपका, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल जीरो। तो नाउ आर बी इंटू सिक्स माइनस 30 इंटू 30 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 2 इज इक्वल जीरो। सो आर बी इंटू सिक्स इज इक्वल, दैट्स अ 90 प्लस 60, दैट्स अ 150। सो आर बी मल्टीप्लाई सिक्स इज इक्वल 150। तो आपको बताइए कि अगर आर बी की वैल्यू कितनी निकल गया है मेरी 150, तो कितना निकलेगा, 150 डिवाइडेड बाई सिक्स, दैट्स अ 25। सो आर बी इज इक्वल 25 किलो न्यूटन। और आर ए कितना हो जाएगा आपका, 60 माइनस 25, सो 35। आर इज इक्वल 35 किलो न्यूटन। ये चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल ली। यहाँ पे मुझे पता पड़ा कि आर ए इज इक्वल 35 और आर बी इज इक्वल 25 किलो न्यूटन। तो मुझे क्या करना है, सेम पहले के तरीके से मुझे एक इसमें प्लेन लेना है, और प्लेन एक्स एक्स प्लेन होगा। और वो मेरे को कहाँ लेना पड़ेगा कि जहाँ पे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस कवर हो रहे हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, दैट इज़ अ एक्स एक्स प्लेन, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो है मेरी एक्स, सिंपल। तो अब इसका जो मोमेंट है मुझे एक्स एक्स प्लेन के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, तो लिख लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स प्लेन। टेकिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स प्लेन कितना आएगा आपका, एम एक्स एक्स इज इक्वल, आर ए ऊपर लेके जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स हो गया। और इसका डाउनवर्ड में लगेगा तो माइनस आएगा, माइनस कितना होगा आपका 30 इंटू, पूरा टोटल एक्स है उसमें से मेरे 2 मीटर चला गया, तो कितना आ गया आपके पास एक्स माइनस 2, फिर देन आपका माइनस के 30 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन निकली फॉर वैल्यू निकली एम एक्स एक्स, वो कितनी निकली मेरी यहाँ पे, इतनी। तो यहाँ से आपके जब बात करेंगे कि एम एक्स एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, तो आपको पता ही है कि वी नो दैट ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस के एम। तो क्या होगा आपका, ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस के आर ए इंटू एक्स, दैट्स आर ए इज इक्वल टू द 35। तो 35 मल्टीप्लाई एक्स माइनस के 30 इंटू एक्स माइनस के 2 माइनस के 30 इंटू एक्स माइनस के 3। यहाँ से जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है मेरी वैल्यूज में। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ निकल के आती है कि मेरे पास यहाँ पे अननोन मेरे को सिर्फ लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएंगे एक ही क्वांटिटी के लिए, और वो क्वांटिटी होगी जो मेरी एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू होगी उसके लिए। तो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है सिर्फ यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस माइनस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस माइनस 3 है, तो यहाँ पे भी मैं सारे कांस्टेंट लूंगा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी इसका इंटीग्रेशन के, तो क्या है ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 35 एक्स स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया वैल्यू इसके अंदर, तो माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के सी वन। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कॉन्स्टेंट मैं ये लूंगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पे, उसके बाद प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अपन ने कैसे कैसे सॉल्यूशन किया है इस चीज़ का। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं कि यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे कि यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, और आपकी जो वैल्यू निकल रही है उसका मैं अगेन इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या निकलेगा ई आई वाई इज इक्वल 35 एक्स क्यू वाई 6 प्लस के सी वन एक्स प्लस के
सी टू, क्योंकि यहाँ तक हो गई है आपकी वैल्यू। इसके बाद प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब ओवर 6 प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब ओवर 6, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी इसके लिए, जो पहले वाली थी, आपको याद ही होगा मैंने बताया था कि अगर इसकी बाउंड्री कंडीशन की बात करूँगा तो क्या होगा आपका, एक्स इज इक्वल जीरो पे वाई इज इक्वल जीरो। देन सेकेंड कंडीशन होगी आपकी एक्स इज इक्वल एल पे y इज इक्वल जीरो, ये होगी डिफ्लेक्शन के लिए। और एक और बताया था कि इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल जीरो देन बाई मैक्सिमम, क्या होगा मेरा बाई मैक्सिमम निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन को पुट करते हैं आपकी, तो फर्स्ट कंडीशन को पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए ई आई y इज इक्वल माइनस के 35 एक्स क्यू बाई 6 प्लस के सी वन एक्स प्लस के सी टू प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब बाई 6 प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब बाई 6। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन पुट की इसके अंदर तो जीरो, तो क्या है यहाँ पे एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल जीरो रखूँ तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि इफ एक्स आपका लेस देन है जो आपकी वैल्यू दी है डिफरेंस के अंदर, मतलब आगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी इस वाली वैल्यू से कम है, तो हम आगे वाली वैल्यू इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव निकल के आ रही है तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। तो इस केस में क्या होगा आपका, जीरो प्लस के जीरो प्लस के सी टू, और आगे वाली वैल्यू क्या है आपकी, नेगलेक्ट हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी ये वाली वैल्यू। यहाँ पर सी टू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, जीरो। देन इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, ई आई बाई इज इक्वल माइनस के 35 एक्स क्यू बाई 6 प्लस के सी वन एक्स सी टू जीरो हो गया है प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब बाई 6 प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यूब बाई 6। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो मेरी सेकंड बाउंड्री कंडीशन थी वो पुट करना, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरी 6 है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि एक्स इज इक्वल 6 पुट करूँगा तो वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जीरो मैंने पुट किया, मैं इसके 35 6 का क्यूब बाई 6 प्लस के सी वन इंटू 6। अब देखिए क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 2 तो मैं इसको कंसिडर करूँगा, 30 इंटू 6 माइनस 2 दैट्स अ 4 का क्यूब बाई 6 प्लस के 30 इंटू 6 माइनस 3 दैट्स अ 3 का क्यूब बाई 6। यहाँ से वैल्यू सॉल्यूशन निकालूंगा, कितनी वैल्यू निकलेगी मेरी C1 की, तो वो मेरे को आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे कि C1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी C1 के लिए। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगी C1 की वैल्यू। तो चलिए देखिए, माइनस के मैं डायरेक्ट करता हूँ, 35 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है आपका, ये वैल्यू माइनस में तो मल्टीप्लाई मैंने माइनस 1 कर लिया, प्लस के कितना है आपका 30, मैं लिख लेता हूँ इसको 1260 इसके सी वन इंटू 6 प्लस के, और देखिए 30 इंटू 4 का क्यूब बाई 6 कितना है 320 प्लस के 30 इंटू 3 का क्यूब ओवर 6 कितना है 135। तो कितनी निकली, माइनस के 1260 सॉरी माइनस के 1260 प्लस के 320 प्लस के 135 डिवाइडेड बाई 6, उधर जाएगा तो कितना प्लस के हो जाएगा, तो सी वन की कितनी आ जाएगी 134.16। तो इसके बाद आपके जो दो जनरल इक्वेशन होंगे वो क्या निकलेंगे, दो जनरल इक्वेशन देख लेते हैं फटाफट से, कि मैं डायरेक्ट इसके पेपर के पीछे ले लेता हूँ, इसके पीछे न्यू पेपर ले लेता हूँ एक सेकेंड। तो जनरल इक्वेशन क्या निकलेगी आपकी फटाफट से देख लीजिए, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 35 एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके वैल्यू कितनी निकली मेरे पास 134.16, ये निकले यहाँ तक, प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी का ई आई
वाई इज इक्वल, तो ए आई वाई इज इक्वल क्या है, ए आई वाई इज इक्वल माइनस के 35 एक्स क्यू बाई सिक्स प्लस के 134.16 इंटू एक्स, ये जीरो इसके आगे प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस टू का क्यू बाई सिक्स प्लस के 30 इंटू एक्स माइनस थ्री का क्यू बाई सिक्स। तो ये दोनों मेरी निकली हैं जनरल इक्वेशन कि जो भी कुछ होगा तो इसके लिए वैल्यू निकलेगी। अब इसके बाद क्या करना है कि इसके केसेस में मेरे को यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करके बताने कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपका मेरे को डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकालना है तो उसके केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस जगह पे आपका एस एफ डी जीरो हो रहा है या फिर एस एफ डी आपका क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देख लीजिएगा क्योंकि इसका कुछ रीज़न है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं यहाँ पे फटाफट से कि कहाँ पे साइन चेंज होगा। देखिए ऊपर कितना जाएगा आपका 35, तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ नीचे सिंपल तरीके से। सबसे पहले कितना गया आपका 35 गया, तो यहाँ से आता 35 रहा सी पॉइंट तक, फिर 30 नीचे आया तो 5 तक आ गया, मतलब कि ए पॉइंट सी पे, सी पे आपका 5 हो गया या 35 था, यहाँ पे 35 से 30 आ गया नीचे। इसके बाद आपका इस जगह पे पहुँचा तो 5 ही था और 5 से नीचे गया तो 25 हो गया, 25 फिर ऊपर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपका एस एफ डी बना। तो आपने देखा साइन चेंज मेरा कहाँ पे हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे मेरा क्या है डी है, डी में मेरा साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 3 आएगी लगभग, तो एक्स की वैल्यू 3 जब मेरी लगभग, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे साइन मेरा कहाँ पे चेंज हो रहा है लगभग, जहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो इसका रीज़न क्यों लिया मैंने कि आपके पास जनरल इक्वेशन थी तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो मेरी कहाँ पे आ रही है, आपके लगभग एक्स की वैल्यू 3 के पास आ रही है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर है लगभग, तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगी देखिए कंडीशन, देन ये वाली वैल्यू क्योंकि 0 माइनस के 35 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के 134.16 प्लस के 30x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, इसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना होगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट होगी कितनी निकलेगी। 0 इज इक्वल देखिए 35 बाई 2 दैट्स 17.5, तो माइनस के 17.5 एक्स स्क्वायर प्लस के 134.16 प्लस के 15 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के, देखो क्या होगा 4x होगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 4x हो जाएगा। तो कितना 0 इज इक्वल माइनस के 17.5 एक्स स्क्वायर प्लस के 134.16 प्लस के 15x स्क्वायर प्लस के 60 माइनस के 60x, तो यहाँ से क्या निकलेगा माइनस के 17 माइनस के 15 दैट्स 2.5, तो आपके पास माइनस के 2.5x स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद आपके पास बचते हैं माइनस के 60x, और दो चीज़ बचती है आपके पास क्या है 134.16 प्लस के 60, तो कितना निकल गया आपके प्लस के 194.16। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2.5x स्क्वायर प्लस के 60x माइनस के 194.16 इज इक्वल 0, ये मेरी इसकी सॉल्यूशन निकला। अब इसका सॉल्यूशन निकालना क्या होगा, तो यहाँ पे आप जाएंगे इक्वेशन में आएंगे, इधर जाएंगे तो अननोन आपकी डिग्री कितनी है 2 है, डिग्री में पहली वैल्यू कितनी 2.5, दूसरी कितनी है आपकी 60, तीसरी कितनी है माइनस के 194.16, तो वैल्यू कितनी निकल गई मेरी एक्स इज इक्वल 2.88, कितनी निकली एक्स की वैल्यू मेरी 2.88। तो मेरे को इस पे क्या निकालना है आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालनी है, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी है आपको निकाल के देखनी है। तो इस वैल्यू पे मेरा क्या निकलेगा मैक्सिमम, तो देख लेंगे बाई मैक्स इज इक्वल बाई एक्स इज इक्वल 2.88, तो ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है। तो क्या आएगा देखिए ई आई बाई मैक्स इज इक्वल माइनस के 35 एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2.88 का क्यूब बाई 6 प्लस के 134.16 इंटू 2.88।
2.88 मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी इसके अंदर, प्लस के 30 इंटू 2.88 माइनस के 2 का क्यूब बाई 6। आगे देखिए, देखेंगे आप 2.88 रखूँगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस में आ जाएगी और छोटी जाएगी, तो इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा देख लेते हैं। 2.88 का क्यूब माइनस के 35 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना निकला माइनस के 139.34 प्लस 134.16 मल्टीप्लाई 2.88 कितना निकला प्लस के 386.38 प्लस के 0.88 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 30, तो कितना निकला आपका 3.407। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 386.38 माइनस के 139.34 प्लस के 3.407, तो कितनी निकली, EI बाई मैक्स इज इक्वल 250.447। ऐसे ही मेरी वैल्यू निकली EI बाई मैक्स की। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको E और Y की वैल्यू गिवन दी है पर मैंने लिखी नहीं थी, तो लिख लेते हैं एक और बार कि आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है आपकी, EI बाई मैक्स इज इक्वल 250.447। तो इसके बाद जो आपकी वैल्यू निकल रही है यहाँ पे बाई मैक्स की, वो निकलेगी आपकी 250.447 ओवर EI। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू दी है वो दी है आपको 2 इंटू 10^5, मतलब जो आपकी वैल्यू दी है यहाँ पे, मैं आपको देख के बता देता हूँ कितनी, चेक करके 2 × 10^5 न्यूटन ओवर mm². और I की जो वैल्यू दी है वो दी है आपकी, एक सेकेंड, हाँ 7200 × 10^4 mm⁴। तो ये आपको वैल्यूज गिवन दी हैं पूरी की पूरी कि इसके अंदर आपको क्या वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पर देख लेंगे 250.447 ओवर जो आपके नीचे वैल्यू वो कितनी है आपकी 2 × 10^5 इंटू 7200 × 10^4। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पर किलो न्यूटन मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे आपके डिफ्लेक्शन के अंदर आप जाके देखेंगे कि आपके लोड के साथ डिस्टेंस का कितना मल्टीप्लाई रहा है एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई आपकी किलो न्यूटन मीटर क्यूब में। तो किलो न्यूटन के लिए तो मैंने 10^3 कर दिया और मीटर के लिए मैंने उसको mm में चेंज किया तो 10^9 कर दिया। तो ये आपको समझ गया आ गया होगा कि एक मीटर इज इक्वल कितना होता है 10^3 mm। नीचे सारी वैल्यू मेरी किस्में दी mm में, तो इसलिए मैंने उसको मीटर में चेंज कर लिया। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, × 10^12 ये ऊपर वाला ख़त्म हो गया, डिवाइडेड बाई 2 × 7200 × 10^9 कितनी निकल गई अपनी बाई मैक्स, 17.39 mm निकला मेरा बाई मैक्स। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ ये कैसे निकाला मैंने ये वाली चीज़। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वो किस में आ रही है, लोड मैंने लगाया किलो न्यूटन में और जो मेरा डिस्टेंस है वो किस में, मीटर में, और उसकी कितनी पावर है 3। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किस में निकल के आई, किलो न्यूटन में मीटर क्यूब। अगर आपको यहाँ से भी नहीं पता पड़ रहा था आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। देखिए इसकी वैल्यू होती है आपकी किलो न्यूटन पर, इसके हिसाब से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी कितनी मीटर की पावर 4 और इसकी कितनी आपकी मीटर, तो कितनी हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर की पावर 5 ओवर मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या निकला किलो न्यूटन मीटर का क्यूब। जब मेरे को यहाँ पे पता पड़ा कि जो नीचे की वैल्यूज है वो अलग अलग दी है तो इसके हिसाब से मैंने चेंज कर लिया। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।